गिरफ्तार आतंकियों से बड़ा खुलासा हुआ है। कानपुर में आतंकी पाठशाला चल रही थी, नई सड़क चमनगंज में ये पाठशाला चल रही थी। मदरसे के नाम पर आतंकियों ने यहाँ पर जगह ली थी। शहर के 36 बिल्डिंगों में संचालन चल रहा था। रहमानी मार्केट के युवकों ने मोबाइल दिए थे, सिम आपको बता दें, उसके 25 मददगारों से पूछताछ हो रही। आतंकियों को जल्द ही कानपुर लेकर टीम जाएगी। असलहों के लिए 25 लाख से ज़्यादा का भुगतान हुआ था, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर हमें मिल रही। तो ये बड़ा खुलासा हुआ है, जिस तरह से कल रिमांड पर लिए गए थे आतंकी, उसके बाद उनसे जो पूछताछ हुई है उससे बड़ा खुलासा हुआ है। और खुलासे में ये बात सामने आई है कि कानपुर में पाठशाला यहाँ पर चल रही थी आतंकी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अनीश शर्मा से जुड़ गए हैं। अनीश, ये बड़ा खुलासा हुआ है पूछताछ में, जिस तरह से कानपुर कनेक्शन सामने आया है अब? देखिए, निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात है कि जिस तरीके से यहाँ के जो लोग टेरर फंडिंग करवा रहे थे, चाहे सीए का मामला रहा हो, चाहे इस तरह आतंकी हो, टेरर फंडिंग का मामला हो, और तो उनको जगह तक दी गई थी, कानपुर से फंडिंग दी गई थी और उनको यहाँ से मोबाइल भी उपलब्ध कराए गए थे। ये बहुत बड़ा अपराध है और यहाँ के काफी ऐसे लोग हैं जो स्लीपिंग मॉड्यूल के रूप में यहाँ काम कर रहे हैं और जो घनी आबादी वाले इलाकों में अपने घर बना रखे हो, बिल्डर है, कोई बिल्डर बना है, कोई व्यापारी बना है, कोई कुछ और बना हुआ हो, बिल्डर की आड़ में बड़े बड़े बिल्डिंग बना रखे हो, उसमें आतंकी पाठशाला चला रहे थे, मदरसे के नाम पर यहाँ पर आतंकी पाठशाला चलाई जा रही थी। और इस तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो कानपुर से हम आपको ये खबर बता रहे थे, जहां पर किस तरह से लखनऊ में पकड़े गए आतंकियों से पूछताछ में ये बात सामने आई है कि कानपुर से किस तरह से उनका कनेक्शन था, किस तरह से यहां पर आतंकी पाठशाला चल रही थी। वहीं बिहार के दरभंगा ब्लास्ट मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने दो आतंकियों को हैदराबाद से गिरफ्तार